नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के गुरुग्राम में हरेरा ने कई बिल्डरों पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया है। हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 में बनाए जा रहे पारस डिज्यूज नामक प्रोजेक्ट में पोजीशन देने में 1.5 साल देरी करने के बारे में मिली शिकायतों की सुनवाई की है। प्रमोटर सबसेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट को निर्देश दिया गया है कि वह अलोटियों को डिले पोजीशन चार्जेस का भुगतान करे, जो लगभग 2 करोड़ रुपए बनते हैं। बता दें कि अथॉरिटी ने डॉक्टर के खंडेलवाल की अध्यक्षता में आज पोजीशन में देरी करने की संबंधी शिकायतों की सुनवाई में यह फैसला सुनाया है। उन्होंने सेक्टर 103 में से लेने कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क नामक प्रोजेक्ट के मामले में भी इसी प्रकार के आदेश बिल्डर और प्रमोटर को दिए हैं। इस मामले में बिल्डर की ओर से अलोटियों को पोजीशन देने में लगभग 5 साल की देरी की गई है। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए हरेरा गुरुग्राम ने चिरहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ याचिका पर 2,61,64,200 रुपए की राशि के लिए बैंक खाते को अटैच करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार आयरियो ग्रेस रिलेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका में अथॉरिटी ने बैंक मैनेजर को प्रमोटर के खातों के रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं, क्योंकि खाता अटैच करने के मामले में बैंक कर्मचारी आगे नहीं आए। इसी प्रकार के आदेश कशिश डेवलपर्स लिमिटेड से संबंधित खातों के बैंक प्रबंधक को दिए गए हैं। हरेरा गुरुग्राम में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में अथॉरिटी ने हमेशा की तरह महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल का प्रयास हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने का लिए रहता है, और वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाने को समर्पित हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।